मित्रों अभी उनके पास कुछ बचा नहीं है, जिनको अपने कर्तव्य का निर्वाह करना था उन्होंने ईमानदारी से कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। अभी जब प्रेस वार्ता समाप्त होगी तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर किसी पत्रकार बंधु के मन में रहा होगा, उसका मैं निवारण कर दूं कि कई सांसदों ने भी पार्लियामेंट में बोला, जो विपक्षी हमारे थे, कि बिल अभी क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले एनसीटी एक्ट के तहत लैंड और लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के पास थे। 2008 में शीला जी ने केंद्र सरकार से ये अधिकार पार्लियामेंट में रेजुलेशन पास करा के ले लिए थे कि दिल्ली की अनियमित कॉलोनियों में जो नक्शे बनेंगे, लेआउट प्लान बनेगा, वो अधिकार राज्य सरकार को दे दिया जाए और वहां पर उनका डेवलपमेंट चार्ज किस आधार पर कितना लिया जाना है वो भी अधिकार मुख्यमंत्री को और दिल्ली सरकार को दे दिया जाए। ये अधिकार रेगुलेशन 2008 आर्टिकल 5.3-5.4 के अंदर राज्य सरकार को पार्लियामेंट ने दे दिए गए थे, जिसमें शीला जी ने 5 साल तक कुछ किया नहीं। फिर उन्होंने एक बिल पास कर दिया था, मैं कॉलोनी को पास करती हूं, सेंटर में भेज दिया, फिर वो आपकी जानकारी में ही भ्रष्टाचार ये वो सबको लेकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट के नाम से श्री 1008 श्री केजरीवाल जी बाहर आ गए थे कि मैं दुनिया की सारी समस्याओं का निदान करूंगा। उन्होंने भी अपने 2015 जो भी दिखाया, 2013 भी ये बोला था कि 1 वर्ष के अंदर सभी कॉलोनियों को पास कर दूंगा, क्योंकि उनके पास ये अधिकार था 2008 के रेजुलेशन के तहत। लेकिन 2015 में 1145/14 रिट पिटीशन एक कोर्ट के अंदर चल रही थी, लोगों ने डाली, उसमें कोर्ट ने पूछा केंद्र और राज्य सरकार दोनों से कि इन अनऑथराइज कॉलोनी को पास क्यों नहीं करते आप। तब केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मीटिंग की, उसमें मिस्टर केजरीवाल साहब बोलते हैं 2015 के अंदर कि हमारे पास अभी हम कोई एजेंसी अपॉइंट करेंगे इन कॉलोनियों को लेआउट प्लान बनाने के लिए और इसका आधार क्या होगा उसके लिए तय करेंगे, हमें 2 साल का समय दे दिया जाए। कोर्ट में भी कह दिया गया ठीक है 2 साल का समय केजरीवाल साहब को दे दिया जाए, उनको 2 साल का समय मिल गया। 2017 आ गया, 2017 में केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे गलती हो गई, हमें और 2 साल का समय दे दिया जाए। और 2 साल का और समय मांगने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे 2019 तक का समय दे दिया जाए, क्योंकि हमने 2 एजेंसी अब अपॉइंट करते हैं, एक एजेंसी का नाम था एसकेपी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी एजेंसी द मेरिडियन सर्वे प्राइवेट लिमिटेड, इनको ये 2 एजेंसियों को केजरीवाल साहब ने काम दे दिया 2017 में, दोनों कंपनियों को, कि आप सर्वे करिए, लेआउट प्लान बनाइए अनऑथराइज कॉलोनी का और सेंटर को भेजिए, ये कॉलोनी को इनको मालिकाना हक मिल जाएगा और ये इन कॉलोनियों के मालिक बन जाएंगे। और केजरीवाल साहब ने 18/8/2017 को एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को, उनके जो अधिकारी हैं एपी शर्मा डिप्टी सेक्रेटरी यूडी अनऑथराइज कॉलोनी के, ये चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो कहते हैं 2017 में फिर कि ऑर्डर डेटेड 31/5/2017 रिट पिटीशन 1145/2014 दैट द सर्वे एंड प्रिपरेशन ऑफ मैप ऑफ द अनऑथराइज कॉलोनी वाज असाइन टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैंडेड बाई डिविजनल कमिश्नर। फिर ये उसके बाद कहते हैं कि हम आप हमें 2017 तक इस पिटीशन में जो जवाब देने के बाद कहते हैं हमें और 2 साल का समय दे दो, क्योंकि हम इन कंपनियों ने काम पूरा नहीं किया है, 893 कॉलोनियों में 3 कॉलोनियों में ये कर पाए, वो भी सेटिस्फेक्ट इनका काम नहीं था, इसलिए हमें 2 साल और समय दे दो। 28 जनवरी को फिर एक मीटिंग हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीटिंग की, यूडी मिनिस्ट्री ने केजरीवाल साहब को बुलाया, उनके चीफ सेक्रेटरी साहब को बुलाया, उन्होंने फिर अपनी एक चिट्ठी दोबारा लिख दी मोहम्मद ए आबिद स्पेशल सेक्रेटरी रिवेन्यू दिल्ली सरकार ने, और 19वें चिट्ठी लिख के इन्होंने लिख दिया इट इज एक्सपेक्टेड दैट द होल एक्सरसाइज विच विल बी अंडरटेकिंग इन एरियाज स्प्रेड अक्रॉस द एनसीटी ऑफ दिल्ली विल टेक अबाउट 2 ईयर फॉर कंप्लीशन, हमें इसका 2 साल का टाइम और दे दो, हम ये काम पूरा नहीं कर पाए हैं, हमें 2021 तक का समय दे दो, और 2 साल का टाइम मांग लिया, क्योंकि अधिकार केजरीवाल साहब के पास था, केंद्र कुछ कर नहीं सकता था। हां केंद्र कर सकता था, फिर एक बिल ला सकता था 4 साल में इसी प्रकार का,
अगर वो बिल लाया जाता तो फिर आप सभी मीडिया के बंधु, केजरीवाल की सभी पार्टी जो पश्चिम बंगाल में खड़े हुए थे सारे, कल मैंने पार्लियामेंट में बोला तो नाराज हो गए जब कांग्रेसी लोग चिल्ला रहे थे, मैंने कहा अब तो तुम्हारा साढ़ू है, मिलके हाथ से हाथ मिलाकर काम कर रहे हो आप लोग मिलकर दोनों, तो आप सब लोग फिर ये शोर मचाते कि मोदी जी केजरीवाल साहब को काम नहीं करने दे रहा है और ऑर्डिनेंस लाकर अनऑथराइज कॉलोनी का बिल पार्लियामेंट में ले आया, फिर आप ये आरोप लगाते। तो जब केजरीवाल साहब ने साढ़े चार साल में कुछ किया नहीं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की एक लॉन्चिंग की थी, एक स्कीम देश में लागू की थी कि देश की आजादी के 75 वर्ष जिस दिन पूरे हो जाएंगे 2022 को, उस दिन देश के अंदर कोई लैंडलेस है, किसी का कच्चा मकान है, किसी का अधूरा मकान है, हम सबको 2022 तक पक्का विधिवत रूप से विकसित मकान देंगे, यह संकल्प प्रधानमंत्री जी ने 1 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना बनाकर कहा था। तो उनको लगा कि जब इसके लिए तो देश के 125 करोड़ लोगों को भी और अनियमित कॉलोनी में रहने वाले 40 लाख लोगों को भी कहना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री, हमें सौभाग्य है, वो गूगल से भी तेज हैं। गूगल किसी चीज को जीपीएस सिस्टम पर जब गंतव्य पर पहुंचते हैं ढूंढ कर देता है, तो हमारे प्रधानमंत्री गूगल से भी तेज हैं। उनको लगा कि 2015 के मेरे संकल्प को 2022 तक कैसे पूरा किया जाएगा जब केजरीवाल 2021 का समय मांग रहे हैं सर्वे पूरा करने का। तो इसीलिए दिल्ली के अनियमित कॉलोनी में रहने वाले लोग इस लाभ से क्यों अछूते रहे, उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी एलजी की हेडेड एक कमेटी बनवाई, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इस बात को आगे बढ़ाया और कमेटी बनवाने के बाद सारी तहकीकात करने के बाद तब ये बिल लेकर आ रहे हैं जिसको पिछले 5-6 महीने से केंद्र सरकार लगी हुई थी। ये बिल इन परिस्थितियों में आया है इन सर्कमस्टांसिस के अंदर, और इस बिल के आने के बाद अब अनियमित कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने अभी डीडीए के अंदर डीडीए 40 से 50 जगह हर कॉलोनी में कैंप लगाएंगे, चाहे पोटा कैबिन ऑफिस खोलेंगे, ऑफिस में आप मैनुअल भी जाकर लोग अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना प्रूफ देंगे, जो भी उनके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होगी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी केवल लास्ट की किसके पास है, चैन की नहीं मांगेंगे, आपके पास रेजिडेंशियल प्रूफ, राशन कार्ड, पहचान पत्र, कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रूफ, और आपके पास जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी, उसको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा डीडीए के अंदर, डीडीए उसको अधिकार दे देगी मालिकाना हक देने का, क्योंकि अब इस अनियमित कॉलोनी की सभी लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेक ओवर करके अपने अंडर ले लिया है। अब इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में पूरा राइट केंद्र सरकार का हो गया है इस बिल के आने के बाद। अब यहां पर जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे आने वाले टाइम में वो डीडीए करेगा, और डीडीए उसमें एमपी फंड का पैसा भी लगाएगा और सोर्सेज का पैसा भी लगाएगा, सीवर का काम, बिजली का काम, ये सारे काम अब डीडीए करेगा। सभी एजेंसी, मल्टीपल एजेंसी जो इन गरीब लोगों को तंग करती थी, उनको इनसे बाहर कर दिया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी एक डीडीए की होगी, और इसीलिए इन कॉलोनियों के पास होने से जो राज्यसभा में अभी नेक्स्ट वीक में बिल पास हो जाएगा, इन लोगों के ऊपर से एक तलवार जो लटक रही थी लंबे समय से, उससे निजात मिलेगी। और ये हिस्टोरिकल जो भी अध्यक्ष जी ने कहा है, मनोज जी ने, 7 पुश्तैनियों तक के लिए एक हिस्टोरिकल निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। तो इसीलिए जो हम कहते हैं, जो देशवासी कहते कि मोदी है तो मुमकिन है, तो एज वेल एज धारा 370, 35A, भगवान श्री राम का मंदिर, सर्जिकल स्ट्राइक, उसी की तरह ये भी निर्णय उसी प्रकार का है। ये कोई किसी प्रकार का इलेक्शन का कोई चुनावी एजेंडा या मुद्दा नहीं है, जो शीला जी ने 2007 में चला था प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटकर, 8 तक फिर वोट ले ली शीला जी से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाकर, केजरीवाल साहब ने 1-1 साल में पास करने की बात कही थी, तो ये चुनावी एजेंडा नहीं है ये इन लोगों को। लेकिन अब स्वाभाविक है, लगभग कम से कम 15 से 20 लाख यहां पर मालिक होंगे इन कॉलोनियों में रहने वाले। अब 20 लाख, 15 से 20 लाख जो है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, 20 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन, जिसमें 600 से 700 कल जो हमारे यूडी मिनिस्टर साहब ने बताया पार्लियामेंट में, 600 से 700 कॉलोनियों का वो सर्वे कर चुके हैं, वो काम कर रहे हैं। हम इसको तुरंत 30 दिसंबर तक उम्मीद है कि ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा और लोग अपनी रजिस्ट्री कराने के बाद निश्चित रूप से इन मकानों के मालिक होंगे। मालिक होने के बाद बैंक से लोन ले सकते हैं, बैंक में मॉर्गेज रख सकते हैं, अपने प्लॉट के बदले में लोन लेने के बाद इन कॉलोनियों के अंदर वो अपना बढ़िया मकान बना सकते हैं। केवल उनको अब इसका जो डेवलपमेंट चार्ज है वो 0.25% देना पड़ेगा। अगर किसी का 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो मात्र 1400-1500 रुपए देने पड़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं देने पड़ेंगे। वो स्वाभिमान के साथ में इस प्लॉट का, अपने प्लॉट का मालिक होगा, और मालिक होने के बाद
वो बैंकों के साथ, जैसे मैंने पहले बताया, वो बैंकों से लोन लेने के बाद भी अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते कुछ काम धंधा करने के लिए भी बैंक से सस्ते दर पर लोन ले सकते हैं। इसीलिए आज सब आपको इस बात के लिए, अध्यक्ष जी को मैं इस बात के लिए बधाई भी दूंगा कि सब जानकारी आम जन तक पहुंचे और हमारे जो व्यू हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के वो आप तक पहुंचे, यही कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त